और यूपी के बागपत में किसानों के खेतों पर चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके विरोध में किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जोरदार हंगामा किया। किसान नेता संजीव दागे ने कहा है कि बागपत में किसानों के खेतों से सिंचाई के उपकरण चोरी हो रहे हैं और इसकी शिकायत उन्होंने कई बार स्थानीय पुलिस चौकी में दी, लेकिन शिकायत के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। किसानों ने ज्ञापन देकर चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग की है। हमारे गांव लोहारी में कम से कम ज़्यादा बिना शॉर्ट वेल पटली और बार बार पटली, एक दो बार नहीं तीन चार बार पटली, बार बार हमारे उसके केबल काट के ले जाओ। किसान परेशान हो गया, कहाँ से किसान इतना पैसा लगा होगा कि रोज़ रोज़ पैसा लगा कर वो ले आओगा केबल, और फसल सूखा लग रही किसान की बहुत ज़्यादा। कप्तान साहब के लिए इसलिए मिलने आए थे कि उसका कुछ ना कुछ समाधान कराया जाए। कप्तान साहब ने ये कहा है बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, अगर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो मैं खुद आकर इस केस को मैं देखूँगा।